ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आवाज जा रही होगी, है ना? आवाज जा रही होगी आपको। कहाँ तक करवाया था? लास्ट प्रॉब्लम कोई बताएगा क्या? लास्ट प्रॉब्लम क्या चल रहा था हमारा? लास्ट प्रॉब्लम क्या चल रहा था कोई बताएगा? डिजिट की हम लोग कर रहे थे, डिजिट की। और हमने आपको परमुटेशन साथ में कॉम्बिनेशन ही बताया था, है ना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताया गया था। आगे बताए ना। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, लिखिएगा। बोले नंबर ऑफ वर्ड विथ 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। And four different words. Four different. तो आपको यहाँ पे वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है? क्या होना चाहिए? 10 डिफरेंट वॉवेल्स है, सॉरी कॉन्सोनेंट्स है, और 4 डिफरेंट वॉवेल्स। बता क्या रहा? इफ इट वर्ड फाइव लेटर वर्ड का ही आपको यूज करना है। फाइव लेटर वर्ड बनाने हैं जिसमें तीन कंसोनेंट हो और दो वोवेल। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड अगर थ्री कंसोनेंट से बन जाए, मतलब दस में से हमें किसी थ्री कंसोनेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना? सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पे 10 सीट। अगर हम वोवेल्स की बात कर लेते हैं तो वोवेल्स की हमारे पास चार है, लेकिन चाहिए कितने हैं? दो चाहिए। तो आपने यहाँ पे वोवेल्स की सिलेक्ट कर लिया। सपोज आपने जो लेटर सिलेक्ट किया है वो लेटर की कैसा है? अब यहाँ से क्या होगा? डिफरेंट लेटर बनेंगे ना, डिफरेंट वर्ड बन सकेंगे इनका। अगर आपने एडमिट कर लिया तो साथ में आप क्या करोगे? इनका एडमिट तो ये हमारे क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वर्ड हैविंग थ्री कंसोनेंट एंड टू वॉवेल्स। ठीक है ना?
किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है तो बताओ। ज्यादा कुछ नहीं कि हमने क्या किया, बस सिलेक्शन किया है सात फोन का एंड में, है ना, जैसा बताए थे हम। एडमिट करना हो तो क्या करो, पहले सिलेक्शन कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे एडमिट करवा लो, तो ये पॉसिबल। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बता रहा है, और बाकी लिखा हुआ है, और एक कंडीशन यहाँ पे लिख दिया गया, एंड बिगिन विद कॉन्सोनेंट। साथ में यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि नहीं, ये हमारा जो हमारा वर्ड है ये कॉन्सोनेंट के साथ ही, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो फिर क्या, पहले तो सिलेक्शन करता है ना, पहले क्या आ जाएगा, NC3 मल्टीप्लाइड बाय 4C, बीच ऑफ NC3 मिल जाएगा 10। तो क्या सिलेक्शन, बाकी क्या हो गया, नेक्स्ट अगर आप वर्ड बनाओगे आप, बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में तो आपने फिक्स कर लिया ना, फर्स्ट में क्या आना चाहिए, आपका सिंपल कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास, इनकॉन्सोनेंट है, तो यहाँ से आपने फिक्स कर लिया, सी में से कोई निकाल लिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई कर 10 में से आपने किसी एक का सिलेक्शन किया उसको बैठा दिया, बाकी कितने बच गए हमारे पास, बाकी कितने मीनिंग कितने हो गए हमारे पास, एक लेटर तो आपने वहाँ बैठा दिया ना, तो अभी क्या आ गया हमारे पास, फुल लेटर, अब उनका आप अरेंजमेंट कर लो तो उनके कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है ना, सिंपल है। नंबर थर्ड, बार बार नहीं लिख रहा, बस यही पे लिखते थ्री कॉन्सोनेंट, थ्री कॉन्सोनेंट एंड टू वोवेल, साथ में और एक बता रहा है, एंड टर्मिनल लेटर्स आर वोवेल, टर्मिनल लेटर्स क्या बन जाएंगे यहाँ पे, वर्ड बन जाएंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, बाय द वे सिलेक्शन अगेन 10C मल्टीप्लाइड बाय 4C मल्टीप्लाई, सोचो आप यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, टर्मिनल मतलब लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट में क्या आना चाहिए, हमारे वॉवेल्स आने चाहिए, तो आपने वॉवेल दो ही है हमारे पास कि वॉवेल्स दो है, उनको एडमिट करने का नंबर ऑफ वेज क्या होगा, टू फैक्ट, टू फैक्ट है ना, यहाँ पे अगर ए आ जाए या फिर यहाँ पे आई आ जाए या फिर यहाँ पे आई या फिर यहाँ पे, ये पॉसिबिलिटी, बाकी बच गए तीन, तीन को आप कैसे भी एडमिट कर लेते, क्या हो गया, क्या कि हमने यहाँ पे पहले वॉयल्स की सिलेक्शन, कॉन्सोनेंट की सिलेक्शन, उसके बाद लास्ट में जो है दो नंबर दो वॉयल्स उसका, ठीक है ना, उनका एडमिट, साथ में जो बीच के जो नंबर थे जो कॉन्सोनेंट थे तुम्हारे, यानी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लेट, उसका हमने कैसे उठाएंगे, तो उनका एडमिट क्या हो गया, तो यहाँ तो लिख लो आपका,
वही कहानी, थ्री कॉन्सोनेंट एंड टू वर्ड्स एंड वोवेल्स आर नॉट टुगेदर. वोवेल्स आर नॉट टुगेदर हमने पढ़ा हुआ है, वो करवाया गया था ना आपको काम से, हम है कि नहीं, उसी से मतलब गैप में जैसे करना पड़ेंगे. तो पहले तो सिलेक्शन की बात कर ले, तो सिलेक्शन कितना हो गया यहाँ पर 10 CC मल्टीप्लाइड बाई 4 CC है ना, ये तो हो गया, इस पर किसी को दिक्कत नहीं. बाकी पांच है, पांच में से पहले आप क्या करो कॉन्सोनेंट का कर लो, मान लो बाकी दो कौन से दो वोवेल थे, तो CDF तो पहले आप क्या करो, ये आपस में अलाइनमेंट होगी, तो इसका यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई बाय. बाकी गैप में एक दो तीन चार, कितने गैप चार, चार में से कितने चाहिए आपको, दो ही चाहिए ना, वॉइस तो दो ही है ना, क्या होता है नहीं क्या होगा 4 CC. उसके बाद वॉइस क्या है क्या होगा, क्या क्या पहले हमने कॉन्सोनेंट से सिलेक्शन, वॉयल से सिलेक्शन, जो कॉन्सोनेंट हमने सिलेक्ट किया, सपोज हमने यहाँ पे CDF सिलेक्शन किया, उनका अलाइनमेंट साथ में गैप, तो थ्री थिंग्स है, तो गैप कितने देंगे वो चार देंगे गैप है ना, तो यहाँ पे क्या किया हमने 4 CC बराबर है मल्टीप्लाइड बाई 2 CC इफेक्टिव किस लिए, दो वॉयल आपस में अलाइनमेंट कर सकते हैं, तो मान लो ए ही हो गया तो वो तुम्हारा ई ए भी बन गया बराबर, ठीक है ना. तो किसी को डाउट उठ नहीं है क्या, सब कुछ समझ में आ रहा है, चलो 5 नंबर करते हैं ना, का पार्ट करवा रहे हैं, थ्री कॉन्सोनेंट एंड टू वर्ड एंड बता रहा है वोवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, वोवेल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन मतलब मतलब 5 आना है, 3 4 5 और कौन कौन सा हो गया यहाँ पे, ये वाली और ये और 1 3 5. पहला आप क्या करोगे सिलेक्शन है ना, तो इंटर सिलेक्शन क्या हो जाएगा, वही सिलेक्शन की 10 CC यहाँ पर लिख रहे 10 CC मल्टीप्लाइड बाय 4 CC. बाकी क्या बता रहा है, वोवेल हमेशा हमारा ऑड पोजीशन में होना चाहिए, अगर ऑड पोजीशन में है तो 3 प्लेस है ना, 3 में से किसी 2 में बैठा दो, 3 में से आप किसी 2 में बैठा दो तो क्या होगा, वो तो ऑड पोजीशन में रहेगा ना, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 3 2 बराबर, बेसिक हो गया, मान लो आपने यहाँ बैठा दिया यहाँ बैठा, उसके बाद क्या होगा आपस में वो अलाइनमेंट करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टरी क्या बन जाएगा हमारा यहाँ, बाकी जो कॉन्फिडेंस बस अच्छे हैं तो आप एंगल कर लो. देखो आपको पार्ट पार्ट से समझा रहे हैं हाँ, ताकि दिक्कत नहीं है. सिलेक्शन किया हमने वॉयल का, देन इट इज सिलेक्शन ऑफ प्लेस, सिटी टू का मतलब सिलेक्शन ऑफ प्लेस है ना, सिलेक्शन ऑफ 2 प्लेस आउट ऑफ 3 प्लेसेस, क्योंकि हमारे पास और कितने 3 है ना, 3 में से 2 का सिलेक्शन किया, फिर ये क्या है 2 फैक्टरी है अलाइनमेंट ऑफ वॉयल, वॉयल क्या अलाइनमेंट, फिर क्या कॉन्फिडेंस किया अभी है. ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट देखो बता रहा इन मोड टेलीग्राफी,
there are four arms. And each arm is capable of taking 5 positions. Including position of rest. Including position of rest. How many different fingers? Can be made. तो यहाँ पे देखो एक वहां टेलीग्राफी है, चार हाथ है ना, चार हाथ, हर हाथ 5 पोजीशन ले सकता है। मान लो यहाँ तक, ठीक है ना, ये हाथ एक का ही बता रहे हैं। तो फिर सिग्नल कैसा होगा, इसका मान लो एक रेस्ट का हमने S0 दे दिया, ये रेस्ट पोजीशन है, ऐसा कुछ है, काटा 3, 8, 1। जब ये एसओ में रहेगा तो फिर कोई सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे सिग्नल जनरेट करेगा S1 में, S2 में, S3 में, S4 में, ओके। S0 में वो सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल जनरेट नहीं कर पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो अब सोचो आप जब आप एनिमेट करोगे, है ना, ऐसे कितने हमारे पास आम, ऐसे हमारे पास फोर आम, कितने फोर आम। जब ये चार है तो इसका मतलब आपको एक दिखा रहा है, एक सिग्नल हो गया, एक ऐसा दे दिया, तो एक हाथ का सपोज S1 ले लिया, है ना, दूसरे का हमने S2 ले लिया, तीसरे का S3 ले लिया, फिर S1, फिर S2। इससे क्या होगा, हमारा एक सिग्नल बनेगा, एक सिग्नल बनेगा। ऐसे क्या बहुत सारे बनेंगे सर, तो एक रहा, और एक ये भी हो सकता है S0, S1, S2, S0। ये भी एक बनेगा ना, ये दोनों रेस्ट में, लेकिन S1, S2, S3 तो काम करेगा, है ना। तो कितने ऐसे बन सकते हैं, तो एक के लिए कितना बनेगा, 5। दूसरा अगर आ गया तो फिर क्या होगा, 5 की पावर 2 बन जाएगा ना, है कि नहीं। एक अगर आएगा तो फिर क्या होगा, एक के लिए कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, एक आम के लिए, सेकेंड आम के लिए 5, थर्ड के लिए 5, फिर 5, फिर 5। तो टोटल कितने हो सकते हैं सिग्नल यहाँ पे, 5 रेस्ट टू 4, है ना, आम के हिसाब से 5 रेस्ट टू 4। इतने डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं, लेकिन इसमें से एक पोजीशन ऐसा रहेगा, एक पोजीशन आप ऐसा समझो, सब में S0, S0, फिर S0, फिर S0, फिर S0। अगर सारे कांटे अगर रेस्ट में आए, चले गए, सारे कांटे अगर रेस्ट में चले गए, तो फिर वो सिग्नल हमारा जनरेट नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा, 5 रेस्ट टू 4, तो 5 माइनस 1 किया, माइनस वन किसने किया, एक ऐसा पोजिशन जहाँ पे सारे आर्म्स के जो सिग्नल है, सारे आर्म्स का सिग्नल वो क्या बनेगा, वो तुम्हारा सारे के सारे लेस्ट पोजिशन में चलेगा। तो उसको हमने हटा दिया, क्योंकि वहाँ से पॉसिबल नहीं है, वहाँ सिग्नल कम से कम एक तो होना चाहिए। अगर S0 एक चलेगा, ठीक है, नीचे का पार्ट नहीं दिखा, इसका हमने ऊपर लिखा है आंसर हमारा, 5 रेस टू 4 माइनस 1,
ठीक है ना, ऊपर लिखा हमने 5:4 माइनस, बराबर ये H0H0 ये ना दिखता होगा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे ऊपर लिखें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना, यहाँ तक ये डिफिकल्ट नहीं है उतना। Find number of waves in different books. Can be distributed. Among three things. क्या बोल रहे हैं, आपके पास 5 डिफरेंट बुक्स है ना, जिसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 चिल्ड्रन में, ताकि एक बच्चे को कम से कम एक बुक मिल जाए, कम से कम एक बुक तो उसे मिल जाए। सपोज तुम्हारे पास 5 है ना, सपोज तुम्हारे पास 5 बुक है, हाँ डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 बच्चे, मान लो बच्चे का नाम ले लिया कमला, ये तुम्हारे पास 3 बच्चे है ना, 3 स्टूडेंट है, कमला विमला एंड सीपी, इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप ये सोचो कम से कम एक जाए, कम से कम एक कमला को जाए, एक बिमला को जाए और एक है ना, एक बुक, एक इसको जाए, एक इसको जाए और एक इसको जाए, तो क्या हो सकते हैं आप अगर आप ध्यान दो, टोटल नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हम लिखते हैं नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम्हें पसंद आ गया स्वीटी है ना, तो फिर तुमने क्या किया, पांचों का पांचों बुक, ठीक है ना, पांचों का पांचों बुक मतलब इसे दे दिया। एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या केसेस आ सकते हैं। देखो पहला केसेस तो ये है, एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट ऑन द एक बच्चे, एक बच्चे को आपने सारा बुक दे दिया, साथ में और एक कंडीशन यहाँ पे ये होगा, एग्जैक्टली टू चाइल्ड
लास्ट में क्या हो सकता है, जो हमारे रिक्वायरमेंट है ये पॉसिबल केस हो सकते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, इच चाइल्ड गेट एटलीस्ट वन, ये एक पार्ट हमें करना है। इसका मतलब अगर आप टोटल वेज निकालो इज इक्वल टू क्या करो, आप ये भी फाइंड आउट कर लो एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट ऑल द बुक, ये निकाल लो, ये भी निकाल लो, लास्ट में ये तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, है ना, ये हमारा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बराबर है। कितने तरीके हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूट करने का, कितने तरीके, ये तो हमने सिखाया था ना, लेटर पोस्ट बॉक्स है कि नहीं, ये सब सिखाया गया था, मतलब बताया गया था। तो कितने होंगे, पहला बुक देने के लिए आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने, थ्री है ना, फर्स्ट बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने, थ्री है। सेकेंड बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने, तीन ही है ना, टोटल की बात करें तो है ना, इतने पॉसिबल केस हो सकते हैं आपके। थर्ड बुक की आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने तरीके, तीन तरीके, इसके लिए भी तीन, इसके लिए भी तीन, इसके लिए भी तीन, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, थ्री जैसे पास। ये आपको आया होगा समझ में, क्योंकि ऐसा हमने करवा चुके हैं पहले से, ऐसा हमने आपको पहले ही करवा दिया था, इस तरह पहले हमने बनाया था, मतलब टोटल एटलीस्ट करवाया था, बराबर है, बताइए। यहाँ तक किसी को डाउट है, 3:5 में किसी को डाउट है क्या, नहीं है। अब हम लिखने वाले हैं एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट ऑल द बुक, एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट ऑल द बुक, एक बच्चे को सारा बुक मिल जाए तो कितने तरीके हो सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, कमला को दे दिया सारे, बराबर, तो उसके लिए कितने वेज होंगे, एक तरीका, या फिर आपने जुमला को दे दिया सारे, उसके लिए भी कितने होंगे तरीके, एक ही होंगे। छोटी को भी देने के लिए कितना होगा, कितने होंगे तरीके, एक ही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा ना, एक एग्जैक्टली वन चाइल्ड को सारे बुक अगर मिल जाए तो कितने वेज होंगे, थ्री बनेगा ना, ये क्लियर है ना, बराबर। आपका मन करे पूरा बुक आपने क्या किया, कमला को दे दिया, आपका मन किया विमला को दे दो, फिर मन किया आपको क्या करो, प्रीति को दे दो, कितने तरीके हो सकते हैं आपके पास, तीन तरीके होते। प्लस ध्यान से एग्जैक्टली टू चाइल्ड गेट ऑल द बुक, है ना, किसी दो को आपको सारी बुक देना, सपोज दोनों में से तीन में से कोई तो आपको पसंद आ गया दूसरा हमने दे दिया, इनको आप क्या करो बुक दे दो, तो अगर आपने दो देना है ना, किसी दो को देना है, इसका मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो बच्चे को सेट करने पड़ेंगे, है ना, हो जाएंगे बीस बीस, बराबर, ये समझ में आया, 32 दो को देने है ना, तो क्या होगा, या तो इसको दे दो छोटी कमला को, या फिर तुम्हारा कमला भी मिला, या फिर कमला से को, कितने होंगे, तीन में से, थ्री चाइल्ड में से आप किसी दो का सिलेक्शन, ये तो हमने क्या किया, सिलेक्शन किया किसके लिए, बच्चे को, बच्चे का सिलेक्शन किया, है ना, दो चाइल्ड को हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद आपको उन्हें बुक देना है। तो बुक के लिए क्या होगा, पहला मतलब आपके पास दो दो है एटीएम कमला, तो बुक कितने आपके पास, पांच बुक हैं, पांच, है ना, तो फिर नंबर ऑफ वेज क्या होगा, पहला बुक देने के लिए कितने, पहला बुक देने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, दो रहेंगे ना, है ना, है कि नहीं, दो तरीका, या तो इसको दो या फिर इसको। सेकंड बुक देने के लिए भी नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे आपके पास, इसे टू,
थर्ड के लिए भी टू, ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा यहाँ पे, टू रेस टू फाइव। इसमें से एक केस ऐसा आएगा जो अभी पढ़ाया हमने आपको, इसमें से एक केस मतलब एक केस ऐसा आएगा जहाँ की आपने सारे के सारे बुक पीटी को दे दिया होगा। ऐसा केस हो सकता है ना, जब आप फाइव बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिटवीन टू पर्सन, ऐसा एक केस पॉसिबल होगा जहाँ पे आपने क्या किया, सारे के सारे बुक स्वीटी को दे दिया। अगर आपने स्वीटी को दे दिया तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा केस आ गया, अगर आपने सारे बुक स्वीटी को दे दिया है ना, तो फिर ये कौन सा केस आ गया, ये तो पहला वाला केस आ गया ना, एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट ऑल द बुक, है कि नहीं। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस टू फिफ्टी है, क्योंकि हो सकता है आपने एक केस में पूरा का पूरा बुक स्वीटी को दिया होगा, एक केस में पूरा का बुक आपने क्या किया होगा, कमला को दिया होगा। इसका नाम हमने यहाँ पे माइनस टू किया, ये क्लियर है बराबर। फिर से सुनो, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, थ्री पार्ट क्लियर हो गया होगा। सेकंड में एग्जैक्टली टू चाइल्ड गेट्स ऑल द बुक, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, किसी दो बच्चे का सिलेक्शन करोगे आउट ऑफ थ्री बुक, आउट ऑफ थ्री चाइल्ड, क्या यहाँ पे थ्री सी टू बराबर। साथ में ये तो हो गए सिलेक्शन, अब क्या करना है, हमें बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बुक को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो इसका मतलब फाइव बुक एंड टू चिल्ड्रन, तो कितने होंगे, एक बुक का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना होगा, दो, दो तरीका। फिर सेकंड बुक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर आपका दो तरीका, मतलब क्या होगा, टू एस टू फाइव हो गया। अब इसमें से एक केस ऐसा आया होगा जिसमें आपने किसी को सारा बुक दे दिया होगा ना, बराबर, और फाइनल ज़्यादा अच्छा लग गया आपको, है ना, आपने सारा बुक उसको दे दिया। लेकिन ये केस हमने पहले काउंट कर चुके हैं ना एग्जैक्टली वन साइड में, इसका यहाँ पे माइनस टू, माइनस टू किस लिए, क्योंकि हो सकता है कमला पसंद आ गई आपको, है ना, सी सी एम बी, ये पांचों बुक आपने इसको दे दी, ये केस पॉसिबल हो सकता है बराबर। इसका हमने क्या किया, माइनस टू प्लस 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 आ गया आपका इस चाइल्ड एट ऑल द बुक, सॉरी एटलीस्ट वन, अब आप माइनस करके आंसर निकाल लोगे ना, और क्या करोगे, माइनस करके आंसर निकाल लोगे, आंसर मेरे हिसाब से 150 नहीं आएगा, लिख लो आप 150, अगर अभी सब आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, ये आई टी का कॉलेज था, बताइए यहाँ पे डाउट है किसी को, काफी इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम, इतना होगा है ना, आगे तो और एक तरीका है वो हम लोग सब करेंगे, आंसर लिख दिया गया 150, ताकि जब आप ऐसा प्रॉब्लम करो तो वहां पर भी आंसर आपका निकल जाएगा। अब कैलकुलेटर पे देख लो ना, 150 आ जाएगा, अब कैलकुलेटर पे देख लो 150 आ जाएगा, लिखे जाते यहाँ पर लिखे एंड फोर टू बी मैन एम एन एम एन डबल एन ई फ्रॉम एक्सपीरियंस
होता है ना चलाने वाला है ना, पिक्चर में देखा होगा जैसे कहीं जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना, मूव करते हैं ऐसे करके, इसके बाद वो बोट चलता है, तो ऐसा कुछ बोट है। फ्रॉम ए क्यू ऑफ 11, क्यू कितने 11, मतलब 11% है ऑफ टू वी कैन ओनली केयर, cannot go. How many ways? The stop can be arranged. Of the main. अब बोट का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। बोट कुछ ये सपोज तुम्हारा बोट है, ये जो दिख रहा है आपको ये स्पेयर जो घूमता है ना, देखिए मैंने कंडा मूवी देखते देखते वो घूमता है और हम कहेंगे स्ट्रोक, हम कहेंगे स्ट्रोक और एक होता है क्या हम कहेंगे बोल, क्या कहेंगे स्टीयर के लिए क्या बता रहा है। अब इन्हें बैठाने हैं तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 प्लेस है और बाकी एक है, 8 और 1 9 हो गए ना, 9 प्लेस क्या बताया। स्टीयर में क्या है, वहां तो सिर्फ एक ही इंसान जाएगा है, स्टीयर में क्या होगा एक ही इंसान जाएगा, तो आपने क्या क्या यहाँ पे EC1 की, EC1 की
तीन में से कोई एक बंदा यहाँ जाकर बैठ सकता है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, क्या बता रहा है, टू ऑफ द मेन यहाँ से देखो और यहाँ से कैन रो ऑन बोथ साइड, उन्हें से बोथ साइड ही रो करने आते हैं ना, मतलब उसी में वो आपके एक्सपर्ट है, बहुत सारे होते एक्सपर्ट होते हैं इसी में बोथ साइड या फिर स्ट्रोक साइड। तो वो क्या बता रहा है कि ना दो मेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ रो बोथ साइड में ही रो कर सकता है, बोथ साइड में तुम्हारा रो कर सकता है और सही। तो बोथ साइड में कितने प्लेयर, चार है, चार में से आप क्या करो किसी दो जगह पे उन दोनों को बैठा दो, लेकिन दोनों बैठ गए बैठने के बाद भी तो करेंगे ना अरेंजमेंट है कि नहीं, अरे एक फर्स्ट पे आ गया एक फोर्थ में आ गया, तो उसी तरह से क्या होता है टू फैक्टोरियल फोर सी टू बराबर। अब कितने इंसान बैठ बच गए, ये बच गए क्योंकि बोल रहा है ना एट कैन रो, एट कैन रो बट कैन नॉट स्टे, आठ इंसान रो कर सकते हैं, मतलब अब कितने हो गए, अब तुम्हारे पास कितने हो गए पोजिशन, एक दो तीन चार पाँच छः पोजिशन हो गए, ये पोजीशन में मतलब आठ जो उसकी पोजीशन है वहां पर क्या करोगे, 66 हो जाएगा, दो यहाँ चले गए ना, बचे कितने तुम्हारे पास, यही बच गया ना, सिक्स बच गया, आठ में से दो चले कितने बच गए, छह बच गए, क्या हो गया 66 प्लेस तुम्हारे पास सिक्स है और तुम्हें छह पर्सन को क्या करना है बैठाने, तो ये तो हो गया उनका सिलेक्शन। अब क्या करो आप उनका एडमिट करो उनके वाले दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सीयर के लिए क्या आ गया सीसी का, कोई एक पर्सन ही हैंडल घुमाएगा है कि नहीं, ये अगर बहुत सारे पर्सन अगर हैंडल घुमाने लगा तो हो गया है ना, बहुत इधर उधर 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 भागेगा, एक ही पर्सन चाहिए, इसका क्या होगा सी सी वन, एक पर्सन का हमें सिलेक्शन चाहिए। अब जो आठ है आठ आठ इंसान ही ग्रो कर सकते हैं, मतलब वो वहाँ चला सकते हैं ना, उसने से ये बताया दो इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ वो साइड में तुम्हारा रो कर सकते हैं ना, बाकी जो छः इंसान है वो मतलब उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो आप तुम्हारे दोनों एक्सपर्ट हैं। तो फिर फोर सी टू हो गया, फोर सी टू किस लिए, चार जो हमारे प्लस थे, चार जो हमारे पास ये था मतलब प्लेस था दो साइड में, चार में से किन्हीं दो का सिलेक्शन किया और उन दोनों इंसान को बैठा दिया है ना टू ऑफ दो, उनका क्या उनका फिर क्या हो गया अरेंजमेंट बच गए छः, तो क्या हो गया 66 आया होगा समझ में, नहीं बहुत लग रहा है, किसी को डाउट है बताओ, किसी को डाउट है, क्या बताया, देखो फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ लाइन, आर टू बी सीटेड लाइन है जो कि चारों वहां बैठना चाहिए, फाइन नंबर वन पूछ रहे आप नंबर ऑफ बेस, दे कैन बी लेकिन बता रहा है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, एटलीस्ट वन गर्ल सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ
और गर्ल। या फिर इसका मतलब ये नहीं होगा नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। कौन सा पढ़ाएगी प्रॉब्लम पढ़ाए गर्ल्स एंड बॉय आर अल्टरनेट, ठीक है। चार नंबर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वन पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर ऑलवेज टुगेदर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ दिख रहा है, अलग अलग चलाने का मतलब है। पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल are never adjacent, not near each other, if they are four married couple then number of ways जो अभी लाइन दिया गया है उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, मतलब उसके नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, जो लाइन दी है अभी हम उसके नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसके ऊपर का तो दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखना है ना, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, लेंदी है लेकिन काफी कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसको ध्यान रखो, आप मेहरबानी करके और ध्यान रख के देखो क्योंकि तो लंबा प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं लेकिन लंबा। ओके कमिंग टू फर्स्ट वन, क्या बताना चाह रहा है आपको, एक मिनट रुकना आपको, ठीक है ना, जब तक इसका कॉपी करो फटाफट। Thank you.
आपने काफी वर्ड कॉल है तो सात जो लिखा है ना सातों अलग अलग कॉन्सेप्ट किया इसलिए एक साथ लिखा दी है ताकि इससे का प्रॉब्लम अगर आए नहीं तो फिर आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते। पहला क्या है, पहला सिंपल है ना, नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड, तो मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जो चार लड़के या चार लड़कियां हैं वो किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है 8, उनका अरेंजमेंट क्या होगा 8 तक सिंपल है ना, ठीक है नहीं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने 8, तो उनका जब आप अरेंजमेंट करोगे लाइन में नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे 8। फिर क्या होता है, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, ऐसा प्रॉब्लम हमने किया है ना, राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर, तो नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो सेकंड हम यहाँ बना रहे, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो पहले आप क्या करोगे, बॉय का अरेंजमेंट कर लो गिवन टू फोर सारी है चार, कोई लड़की साथ में दिखनी नहीं चाहिए है ना, का मतलब गैप कितने होंगे, इनका अरेंजमेंट क्या होगा, चार लड़के का अरेंजमेंट और बॉयज के अरेंजमेंट हो सकते हैं, बाकी जो गर्ल्स है कभी साथ में लिखनी चाहिए, मतलब गैप कितने बन रहे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, लेकिन 5 में से आपको कितने प्लेस से बैठाने हैं, 4 प्लेस से बैठाने हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे 5, 6, 4, 5 में से हमें 4 प्लेस से बैठाने हैं, क्या हो गया यहाँ पे 5, 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब गर्ल्स के अरेंजमेंट क्या हो गया यहाँ पे 4, जो गर्ल्स बैठेंगे यहाँ पे यहाँ बैठे, तो फिर वो क्या करेगी, आपस में अरेंजमेंट करेगी, इसका क्या हो गया यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया 4 फैक्टोरियल, तो आया होगा समझ में आपको, हमारा फर्स्ट हो गया। थर्ड, थर्ड यहाँ पे हम नहीं कर रहे, थर्ड क्या पूछ रहे आपसे, थर्ड ये पूछा जा रहा है आपसे, एटलीस्ट वन इज, वन गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, कम से कम एक लड़की बाकी से जुदा होनी चाहिए, एटलीस्ट वन बता रहा है, तो फिर एक केस हम आपको बता रहे हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटलीस्ट एक दो तीन ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर है ना, तो नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, नॉट जब आ गया, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो ये आप कैसे निकालोगे, आधे को कभी तक समझ आ गया, टोटल करेंगे माइनस ये चलेंगे हम, तो ऑल गर्ल्स आर टुगेदर टोटल माइनस ऑल गर्ल्स, नॉट ऑल गर्ल्स टुगेदर बोल रहा है, सारी लड़की एक साथ नहीं हो, इसका मतलब टोटल कर लो, इसके बाद सारी लड़की को
साथ में रख के जो केसेस आएंगे ना उसको आप माइनस कर लो। टोटल तो आपको पता है पहले से, टोटल माइनस ऑफ ऑल गर्ल्स टुगेदर, सारे लड़की को साथ में रखना है। इसका मतलब क्या, पहले आप पॉइंट की अरेंजमेंट करो, जिनको साथ में रखना है उसको हमने बताया था ना, जी वन जी टू जी थ्री जी फोर, इन सबको साथ में मतलब एक बुरा में। बाकी क्या है पॉइंट और क्या आगे भैया, जी वन जी टू जी थ्री और यहाँ पे चार बन गया, चार तो क्या होगा, इनका अरेंजमेंट क्या होगा, सब क्या पकड़ेंगे एज ए वन यूनिट बताया गया, सब क्या पकड़ेंगे एज ए वन यूनिट ऑफ आइसोमर, तो कितने होंगे, एक दो तीन चार पाँच, कितने होंगे। अब जो लड़कियाँ हैं वो भी तो आपस में क्या करेंगे, हाँ अरेंजमेंट करेंगे ना, अरेंजमेंट के लिए क्या होंगे यहाँ तो ये हमारा आंसर आ गया, एट फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल। अब जब कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना तो फिर ऐसे ही दिया जाता है, बराबर ऑप्शन भी ऐसे ही दिया रहेगा, ये कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट होगा। हाँ हो सके फाइव फैक्टोरियल कॉमन ले लें यहाँ से, है ना, क्योंकि एट फैक्टोरियल का फिर क्या लिख सकते हैं, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स और मल्टीप्लाई बाय फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल कॉमन ले लिया फिर वो सॉल्व कर लिया, जो भी है कैलकुलेशन नहीं बस आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। लेकिन तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, हाँ होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ बोल दो सर रिपीट करो फिर से, तो फिर से हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको एक पार्ट समझ नहीं है तो आप मैसेज कर दो, आप सर ये पार्ट हमें समझ नहीं है, तो अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया तो फिर आगे हम लोग कोशिश कर लेंगे। चार नंबर, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट, अल्टरनेट बैठे हैं ना, अल्टरनेट बैठे, इसका मतलब बॉय यहाँ बैठे है ना, गर्ल यहाँ बैठे, ओके तो मतलब एक एंजन आपको दिखा रहे हैं वन जी टू यहाँ पे जी थ्री जी टू यहाँ पे जी फोर, मतलब किसी लड़की को है ना अकेला नहीं छोड़ना है, मतलब किसी ने किसी के साथ बैठना चाहिए, किसी ना किसी लड़की के साथ बैठना चाहिए, बराबर अकेले नहीं साथ में बैठे लड़के के साथ, तो फिर ये एक एडमिट हो सकती है, ठीक है ना, बी वन जी वन बी टू जी टू बी थ्री जी थ्री बी फोर जी फोर। अब देखो ये जो बी वन है ना, इसका मन किया सर काम करते हैं हम लोग, इसका पोजिशन चेंज करते हैं, तो लड़के आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कितना होगा तरीका, इसके लिए आ जाएगा फोर फैक्टर, आ जाएगा फोर फैक्टर, क्यों जो बी वन है बी टू बी थ्री बी फोर, जो इतने लड़के हैं चार लड़के, वो क्या कर सकते हैं आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बराबर लड़के अब इससे कम नहीं है ना, वो भी आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बी वन बी टू बी थ्री, बराबर ये अगर अरेंजमेंट अगर तुम्हारा इन्होंने अरेंजमेंट किया जो क्या हमारा आंसर यहीं तक होगा, और कुछ केसेस बन सकते हैं क्या, अगर आप ये सोचो हमने यहाँ पे फर्स्ट बॉय को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, मतलब बॉय को हमने यहाँ पे लड़के को पहले बैठा, एक कहानी ये भी हो सकती है अगर हम गर्ल को यहाँ बैठा दें, दोनों तो अलग अलग हो जाएंगे ना, आपने यहाँ से देखा पहले आ गया लड़का, आप सपोज आप यहाँ पे है ना, आपने पहला देखा लड़का, फिर आपका आप यहाँ पे है आपने देखा लड़की, तो इसका मतलब पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, फर्स्ट पोजीशन चेंज हो गया हमारा, तो उसी तरह से और एक अरेंजमेंट हो सकते जी वन बी बी वन देन जी टू बी टू थ्री बी थ्री फोर, ये भी तो सेम ही रहेगा ना, ये भी सेम रहेगा, मतलब कि प्लस कर ले, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकता है, या तो हमारा फर्स्ट केस हो जाए या फिर हमारा सेकंड केस हो जाए, और लगा रहे तो इसका मतलब ये भी तो सेम आने वाला है भैया, फोर फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो अल्टरनेट का कहा नहीं होगा, बस आपको यही यहाँ पे रखना है। दो केस हो सकती है, पहले लड़का बैठे, सेकंड कहानी में लड़की बैठे, जब एनवायरमेंट वो चेंज हो गया हमारा, मतलब पोजीशन, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एनवायरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ सिक्स, ये सब मैटर करता है ना, ये सब मैटर करता है। तो यहाँ पे क्लियर होगा। पांचवा क्या बता रहा है, बॉयज एंड गर्ल अल्टरनेट एंड वन पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर ऑलवेज टुगेदर। अच्छा, तो एक यहाँ पे जोड़ा है, जोड़ा समझते हो ना, जो हमने जुड़े थे ना, ये सब चीज आ जाए, तो वो लड़का एक लड़की वो क्या करेगी, हमेशा साथ में रहेगी, हाँ हमेशा साथ में रहेगी, बराबर। और कंडीशन ये भी है कि बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट रहें, दोनों साथ में रहें, और बॉयज एंड गर्ल जो है वो आपस में वो क्या होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए, है ना, अल्टरनेट। हाँ मतलब ये पैटर्न फॉलो ही करेगा, साथ में वो तो जो एक जोड़ा है हमारा, है कि नहीं, लड़का लड़की का, वो हमेशा साथ में रहेंगे ना, वो दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, बराबर, वो दोनों कभी भी जुदा नहीं होंगे, तो उनको जुदा करना भी नहीं है, उनको पूरा साथ देना, वो हमेशा साथ में रहे, है ना। तो क्या किया जाए, तो मान लो वो जोड़ा हमने खोज लिया, जोड़ा हमने खोज लिया, वो जोड़ा ये जोड़ा हमें पता चल गया, ये जोड़ा अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं, हमेशा साथ में रहेंगे, तो ये हमेशा साथ में रहेंगे, ऑलवेज टुगेदर का हमने आपको कहानी बताया था। उसे क्या करना, बुरा में बंद कर दो, है ना, उसके बाद वो कुछ भी करे तो मतलब नहीं है, तो ये क्या रहेंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। तो बाकी जो बच गए हमारे पास, बाकी क्या बच गए, T2, ठीक है, और क्या, G2 ये बस बचे हैं ना, G2 और क्या बचे भाई, G3 और साथ में अल्टरनेट की बात कर रही है ना, क्या बोल रहा है ना, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट, मतलब ये कंडीशन भी हमें नहीं भूलना है, ये कंडीशन भी हमें नहीं भूलना है, ऐसा नहीं दोनों को अरेंजमेंट करवाते ये भूल जाए कि ना इनको उनको भी अल्टरनेट रखना है, कि नहीं, बराबर, बाकी लोग का भी चांस रहे, हाँ ऐसा नहीं बस एक दोनों को चांस मिले, बराबर, बाकी दोनों का भी चांस मिलना चाहिए, बाकी जो है कहानी। अब देखो, आप ध्यान से ना, यहाँ पे अब तो जो एक प्लेस, ये दोनों यहाँ पे आ सकते हैं, एक यहाँ मतलब तो गैप, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ और एक, इसके पहले क्या था, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल जो हमने किया है गैप फिलअप करने के पहले, बाकी जो पर्सन रहते हैं उनका हम एडमिट कर देते हैं ना, उनका हम एडमिट कर देते हैं, चलो एडमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन एडमिट होगा, G3 जो लड़के हैं ये आपस में एडमिट कर सकते हैं, लेकिन आई हैव 3 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज द बॉय। गर्ल्स के लिए भी सेम कहानी है, क्योंकि G2 G3 के लिए भी कितना होगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, गैप कितने होंगे, 7 गैप होंगे, क्योंकि 6 आदमी है ना, 6 इंसान है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितने हो गए, 7। तो आपने क्या किया, 7 में से किसी एक का 7 प्लेस में से, ये क्या हो गया, 7C1 किस लिए, ये तुम्हारा ये सब लिखते रहना आप, है कि नहीं, पहले बता दिए, बार बार नहीं बता रहा, सिलेक्शन ऑफ गैप, सिलेक्शन ऑफ वन गैप,
फ्रॉम सेवन गैप, सात में से एक का सिलेक्शन करना है, गैप हो गया है ना। अब इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई का किसको आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट करेंगे है ना, ये दोनों आपस में एलिमेंट करेंगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, टू फैक्टर लिए, इतना होना चाहिए टू फैक्टर लिए। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप कोई भी गैप का सिलेक्शन करो है ना, बराबर, ऐसा नहीं कि ना आपने जो बोल दिया, हमने जो बोल दिया वही है, कोई भी आप गैप के सिलेक्शन, सपोज हमने इस गैप का सिलेक्शन, इस गैप का हम सिलेक्शन और यहाँ पे हम इन दोनों को बैठा दें, एक एलिमेंट क्या आ सकता है ई वन, लेकिन ये होगा ना जीवन, जीवन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लड़की यहाँ बैठ जाए, अगर आप इस अरेंजमेंट पे जाओ, जीवन जीवन है ना, दिख रहा होगा आपको जीवन जीवन, ये अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये अरेंजमेंट हो जाए इसका मतलब दो लड़के जीवन बिफोर एक साथ आ गए, एक साथ आ गया इसका मतलब कि अल्टरनेट कंडीशन तो लगने वाला है ना, तो फिर वो कंडीशन हमारा भंग हो जाएगा है ना, मतलब खत्म हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज जीवन जीवन ये कंडीशन हमारा, ये अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या, ये तो फिर यहाँ पर मतलब कौन सा अरेंजमेंट होगा, ये वाले ना जीवन जीवन, पहले लड़की बैठ जाए उसके बाद लड़का बैठ जाए, तो ये अरेंजमेंट हो सकता है, पॉसिबल है ना, जीवन जीवन देख रहे हो ना, बॉयज एंड गर्ल क्या हो रहे हैं आपस में, मतलब अल्टरनेट बैठ रहे हैं, ओके। तो इस कारण यहाँ पे जो हम लोग लिखते थे टू फैक्टर लेते, यहाँ पे जो हम लिखा करते थे याद हो रहा था, तो हमें से एलिमेंट करवाते थे, तो वो नहीं होते, वो नहीं होते यहाँ पे क्या बनेगा, वन, एक तरीका, एक तरीका। अब किसी भी गैप में जाओ है ना, किसी भी गैप में जाओ, यहाँ पे भी अगर आप जाओगे, अगर आप कोई भी गैप में जाओ है ना, ऐसा नहीं बता रहे थे, इसके लिए आप यहाँ भी चले जाओ तो यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर क्या होगा, जीवन जीवन। इस कंडीशन में अगर आप जाओ तो इस कंडीशन में क्या आ सकता है हमारे पास, सॉरी, केस एक ही रहेंगे, चाहे जीवन जीवन हो या फिर जीवन जीवन हो, एक ही केस होगा, आप जहां भी बैठा हो केस क्या होंगे, एक ही होंगे है ना, बराबर, ठीक है ना। तो फिर से सुन लो, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले एक जीवन जीवन हमेशा एक साथ बैठने चाहिए, ऑलवेज टुगेदर, तो बाकी जो प्राणी बच गए G2, G3, G4, इनको आप, इनका हमने क्या किया, अरेंजमेंट किया, तो बॉयज को अरेंजमेंट करने के लिए थ्री फैक्टर, गर्ल्स को अरेंजमेंट करने के लिए सिलेक्शन ऑफ गैप, तो सिलेक्शन ऑफ गैप सेवन, यहाँ तक कहा था। मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते, टू फैक्टोरियल, जो आपको नहीं लिखना है ना, यहाँ पे लॉजिक, लॉजिक क्या कहता है, अगर आप कहीं भी बैठाओ उस जोड़े को, कहीं भी बैठाओ, बैठाने का एक ही तरीका होगा, तो ये आप लिख लेना, देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज, टू अरेंज जी वन जी वन है ना, देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज जी वन जी वन इन एनी गैप, इन एनी गैप, कोई भी गैप में अगर आप बैठा रहे हो इन्हें, तो क्या होगा यहाँ पे, एक ही गैप पॉसिबल है, एक ही तरीका पॉसिबल है, बताइए किसी को डाउट है, क्योंकि ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना, देख के आपको लग रहा होगा काफी अच्छा प्रॉब्लम है, तो देखते समझ में आ गया होगा कि ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है ना, तो कहीं भी अगर डाउट है किसी प्रॉब्लम में, एक से लेके पांच तक अभी पढ़ा है ना, एक से लेकर पांच तक, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, कोशिश करेंगे तो पता चलता है। तो शायद क्लियर होगा, आगे बताए फिर नेक्स्ट, क्या बता रहा है, अब
पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल आर नेवर टुगेदर, नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर. वाओ. अच्छा, अब उनका ब्रेकअप हो गया है ना, सपोज उनका ब्रेकअप हो गया, बराबर, तो वो कभी साथ में दिखने नहीं चाहिए ना, होता है ना, कभी साथ में दिखते नहीं है. चलिए, अब क्या है यहाँ पे, वो कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे. हाँ, बस यही बता रहा है, बस आपका यही कंडीशन बता रहा है. इसका मतलब अल्टरनेट की कहानी नहीं बताई जा रही है, क्योंकि अल्टरनेट अगर होगा तभी तो पॉसिबल नहीं होता ना. तो वो दोनों जो जोड़ा है, तो एक ही जोड़ा है, वो कभी साथ में दिखने नहीं चाहिए ना. तो वो हमका तो आपको क्या करना है, मतलब ये आप कैसे करोगे, एक साथ एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या गैप ना, मतलब नेवर टुगेदर के हिसाब से समझ लो. वही बात कर रहा है, वही बात कर रहा है. बी टू जी टू या बी थ्री बी फोर. चलिए आगे, अब इनको ऐसा बैठाना है ताकि वो कभी साथ में दिखने नहीं चाहिए, एक दूसरे का चेहरा वो दिखने नहीं चाहिए. एक दो कितने हैं कैंडिडेट, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः है ना. उनका एलिमेंट क्या होगा, सिक्स तक करिए, उनका एलिमेंट क्या होगा, सिक्स तक मल्टीप्लाई करें. गैप्स कितने हो गए हमारे पास, सेवन. सात में से आपने किसी एक का सिलेक्शन किया, सेवन सी वन मल्टीप्लाइड बाय सेवन सी वन कितने होगा, इतना होगा ना, सेवन सी टू. तो अलग अलग गैप में आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा यहाँ पे, उनकी अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, बराबर. एक जीवन यहाँ बैठ गया, जीवन यहाँ बैठ गया, दोनों आपस में इंटरचेंज कर लिए, ऐसा भी पोजिशन. तो ये तो सिंपल तक आता, मतलब नेवर टुगेदर के हिसाब से देखिए. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तुम्हारा ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें सिखाना है, उसके बाद आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप. हाँ, आगे, इफ दे आर फोर मैरिड कपल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इच कपल इज टुगेदर. अब मान लो वो बड़े हो गए ना, जवान हो गए, तो फिर उनकी शादी हो गई है, बराबर, जिनका ब्रेकअप हुआ था उनका भी शादी हो गया, और जो साथ में थे उनका भी, मतलब किसी ना किसी के साथ शादी हो गई, मतलब इनका तो कंफर्म है जीवन जीवन का, बाकी किसी के साथ किसी हुआ है ना, बीसी रिफोर वैसे करते. जो भी हो, चार मैरिड कपल्स हैं, कितने तरीके हैं कि वो हमेशा साथ में रहेंगे, है ना, अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट है, चेयर समझ लो, चेयर, बराबर, चेयर रखा हुआ है, तो चेयर में कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं ताकि वो हमेशा हमेशा साथ में रहे, दोनों साथ में, हस्बैंड एंड वाइफ समझ लो, वो दोनों साथ में, तो एक जोड़ा हमने बना दिया, दूसरा जगह क्या हो गया के साथ तुम्हारा का अब चारों कपल साथ में होने चाहिए, साथ में होने चाहिए, इसका मतलब क्या, ये आप कैसे करोगे, ये एज ए वन यूनिट है ना, ये भी वन यूनिट साथ में है ना भाई, साथ में है तो फिर साथ में, ये एक इनकरेजमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेजमेंट क्या होगा, चार प्राणी है, इनकी एजमेंट होगी फोर फैक्ट्री है,
क्या बीवन जीवन या जीवन बीवन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अल्टरनेट का बात ही नहीं कर रहा, अल्टरनेट का सिर्फ हमारा 5, 4 और 5 में था, है ना, बाकी अल्टरनेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आ गया, 2 फैक्टर यहाँ सुना, अरे बाकी है ये तो जीवन जीवन के लिए रहा है ना, क्या ये दो आपस में एडमिट कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ना जो वाइफ है यहाँ पे हस्बैंड में बैठना चाहिए, है ना, वरना दिक्कत हो जाती है। इसके लिए क्या हो जाएगा फिर, 2 फैक्टर है ना, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर 2 फैक्टर। इसके लिए क्या हो जाएगा, सारे के एंड जीवन जीवन एक जो कपल है उसके साथ, मतलब उनका एंडमेंट, सेकंड कपल उनमें आएंगे, थर्ड कपल उनमें आएंगे, फोर्थ कपल उनमें भी आएंगे। ओके, तो ये आपका कहानी जाएगा। तो बताओ देखो दिक्कत है इसमें, ये आया हुआ सामने है, ये आपको आया हुआ सामने, आपको ब्रेक ब्रेक चाहिए क्या, ये सर नो बोलो, अगर नहीं चाहिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं, नहीं सोच रहे डायरेक्ट 5:30 बजे ख़त्म करते हैं, ब्रेक देने के बाद फिर यहाँ पे लफड़ा होता है 6 बजे का कुछ नेट कनेक्शन का, है ना, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लास मतलब फिर भी 2.5 घंटा ही रहता है, आप लोग बोलोगे तो ब्रेक दे सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, अगर ब्रेक चाहिए तो लिख सकते हो यहाँ पर ब्रेक दे दो, अगर नहीं चाहिए तो फिर अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बराबर है, अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अगर ब्रेक चाहिए आपको तो बता सकते हो, है ना, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा टफ है ना, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा लग रहा होगा आपको टफ है, एक्चुअली में टफ है, एक्चुअली में टफ है, या फिर ऐसा करते हैं 5:30 बजे तक ही पढ़ाते हैं, 3 घंटा नहीं 2.5 घंटा, ये भी ऑप्शन है आपके पास, दो दो ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, सुटेबल नहीं है तो फिर आगे हम बढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक के प्रॉब्लम आप सॉल्व करते रहो, जो भी आपके पास आपके वो आप सॉल्व करते रहो, और यहाँ पर असाइनमेंट भी मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो आपका बेसिक बुक है वो तो आप सॉल्व करो, जैसे अगर आपके पास स्टेट बोर्ड का बुक है या फिर CBSE बोर्ड, जो भी बुक है, जो भी आपका बोर्ड है, उससे पहले आप प्रॉब्लम बना, ताकि वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, बेसिक रहते हैं, और जिसको और डिटेलिंग में जाना है आप ये भी कर सकते हैं, दोनों काफी छोटा बुक है लेकिन काफी अच्छे है, मतलब बेसिक के लिए अगर आप चाहो तो इसे आप फॉलो कर सकते हो, काफी प्रिसाइज तरीके से हम समझाया हुआ है, बराबर, एकदम छोटे छोटे बुक तो वो आपको मज़ा भी आएगा बनाने में, अदरवाइज अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप एक बुक कोई भी फॉलो करो, है ना, बराबर, उसके बाद फिर जो असाइनमेंट जो आपको दिए जाएंगे वहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, है ना। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप तो आप समझ रहे होगे,
ग्रुप्स मान लो ऐसा बना है, तीन ऑब्जेक्ट था, पहले हम कहानी बना मतलब बता देते उसके बाद फिर आप। अब आपको यहाँ पे ग्रुप बनाना है, एक जगह दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए ए बी सी, एक जगह दो दो ठीक है दो। अच्छा इससे पहले एक छोटा सा नोट है वो आप लिख लो, देखिएगा एवरी सिलेक्शन, एवरी सिलेक्शन एज अ करस्पॉन्डिंग रिजेक्शन, एज अ करस्पॉन्डिंग रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू ग्रुप और टीम और सेट। तो ये चैप्टर हम पूरा एकदम लेंथी करके पढ़ाते हैं, लेंथी में हमारा डिटेलिंग में जाकर पढ़ाते हैं ना, बराबर। ये है कि ना इतना पढ़ लेने के बाद आप कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो, है ना, बराबर। ऐसा पढ़ाया जाता है अगर आप पढ़ लो, ओके, कोई भी बुक आपको सॉल्व मतलब कर सकते हैं। और इसका अच्छा क्या, इसका प्लस पॉइंट जब आपका ये अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। हाँ तो जिन्होंने पढ़ रखा होगा अगर ये खराब है तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली आपका खराब हो जाएगा या फिर समझ नहीं आएगा। तो ये देखो अगर कहीं से सिलेक्शन होती है तो किसी ना किसी की रिएक्शन होती है ना, एवरी सिलेक्शन एज ए करस्पॉन्डिंग रिजेक्शन। कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ भी अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो किसी ना किसी का रिएक्शन हुआ हो। तो यहाँ पे बात करेंगे हम ग्रुप बनाने की, क्या बनाने की, ग्रुप ग्रुप टीम सेट बात बराबर है ना। आप ग्रुप बनाओ या फिर टीम बनाओ या फिर आप सेट बनाओ, लेकिन मतलब सेम। अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करो, मतलब कितने ऐसे फॉर्मेशन बन सकते, एक तो ये लग गया ए बी। तो आपने अगर ए बी को सिलेक्ट किया, अगर मान लो ये कॉलम आपका सिलेक्शन है, ध्यान सुनना, अगर ये कॉलम आपका सिलेक्शन था ऑटोमेटिकली जो दूसरा कॉलम है वो क्या बन जाएगा, जैसे आपको ग्रुप बनाने हैं एक का एक में दो होने चाहिए एक में एक होने चाहिए, तो अगर आपने ए बी को ले लिया तो ऑटोमेटिकली सी रिजेक्ट हो गया, सी किसने चला गया, किसने चला गया, हमने सिलेक्शन किया ए बी का, एक ग्रुप मिल गया ना आपको, सी उसमें चला गया तो ये एक ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हमने यहाँ बी सी ले लिया, अगर आपने बी सी ले लिया तो यहाँ सी आ गया, और क्या होगा अगर आपने यहाँ पे ए सी ले लिया, यहाँ पे आपका क्या आएगा सी आएगा। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, और तो नहीं है ना, और नहीं है। तो फिर अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करने कोशिश करें, फॉर्मूला ड्राइव करने को तीन आ गए हैं, तो दैट इम्प्लाइज तीन ऐसे मैसेज के भाई सी सी वन या फिर आप लिख लो सी सी दोनों के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप में क्या होगा, सिलेक्शन, जब आप ग्रुप की फॉर्मेशन करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, इतना समझ में आया। आप परमोटेशन का यूज नहीं करोगे, आप वहाँ पे एन फैक्टोरियल यूज नहीं करोगे, आप वहाँ पे NCR यूज नहीं करोगे, आप क्या करोगे वहाँ पे NCR यूज करोगे, है ना, आप वहाँ पे NCR यूज करोगे। तो ये तो रहा एक कॉन्सेप्ट, है ना, तो ठीक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, अब
करने हैं नंबर ऑफ वेव्स टू फॉर्म टू ग्रुप इट कंटेनिंग टू प्लेयर. तो हमें यहाँ पे दो 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 ग्रुप बनाने हैं. ग्रुप में कितने रहेंगे? दो प्लेयर करके रहेंगे. कितने रहेंगे? दो दो प्लेयर करके रहेंगे, है ना. इससे भी थोड़ा सा ड्रिलिंग करते हैं. तो इसका मतलब चार चीज है, फोर पर्सन है. चार में से अपन को दो दो बनाना है. के बाद हम आपको फॉर्मूला दे देंगे ना. ये इतना समझाने के बाद आपको फॉर्मूला दे सकते हैं. तो सपोज हमारे पास कहानी है ए बी सी डी. तो फिर जो फॉर्मूला है वो यहीं से आया है, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है और याद भी जल्दी हो जाते हैं. इस कारण से मेक श्योर यहाँ पे हम टीम का नाम नहीं दे रहे हैं ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वैसा. दो ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं, जिसको जो लेना है ले ले रहे. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ए बी, यहाँ पे हो सकता है ए, यहाँ पे हो सकता है. ऑटोमेटिकली अगर आप ए सी सिलेक्ट कर रहे हो तो बी डी वहां चला. अगर हमने यहाँ पे ए बी सिलेक्ट किया तो वहां पे हमारा बी कॉमर्स. इसका मतलब अगर हमने यहाँ बी सी सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे ए बी चला गया. मतलब अगर हमने यहाँ पे बी डी सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे बी सी चला गया. मतलब ये हो गया कि आपने अगर यहाँ पे बी डी कर लिया तो यहाँ पे ए बी आ गया. इससे पहले बताए अपने इसको यहाँ बी आर लिखोगे तो दिमाग में रहेगा ना. रिक्वायर फॉर्म ओनली टू थिंग्स. हमें सिर्फ टीम बनाना है ना, ऐसा नहीं जैसे आपको हम ये खेल सिखा रहे हैं. क्या ये दो आइडेंटिकल है? क्या ये दो केस आइडेंटिकल है? क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि ए बी हुआ और सी डी हो गया. सी डी हुआ ए बी हुआ, बात तो बराबर है ना. लेकिन यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे हमने आपका टीम का नाम नहीं दिया, टीम ए टीम बी टीम सी ऐसा कुछ नहीं. ऐसा नहीं आपका टीम ए या टीम बी है, तो फिर अलग होता है ना. तो इस कारण यहाँ पे ये और ये केस फर्स्ट एंड लास्ट केस दे आर आइडेंटिकल, ये सेम है. आपने ए बी को डिवाइड किया, आपने सी डी को डिवाइड किया, खत्म. अब ये तुम्हारा जाए, ये तुम्हारा मतलब इस साइड जाए या फिर उस साइड जाए तो बाकी कहानी है ना. हमें सिर्फ यहाँ पे ग्रुप की फॉर्मेशन करनी है. ओके आगे देखो, तो ये केस और ये केस हमारा ये भी सेम हो गया है ना. ये केस और ये केस भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया. इसी तरीके से ये केस भी हमारा सेम हो गया है ना. तो इसके आंसर कितने आने चाहिए जब आप डिवाइड कर रहे हो? ऐसे कितने थे? तीन आएंगे, कितने आएंगे? तीन आएंगे, है कि नहीं? कितने आएंगे यहाँ पे? तीन आएंगे. तो जो आइडेंटिकल आने थे उसे हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया. तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो
एक तो फोर सी टू आ गया, चार में से दो का प्लस टू देना, वो तो फोर सी टू आ गया, फोर सी टू वाले सिक्स होती है, हाँ चाहिए तो सिक्स आएगी फर्स्ट सी, क्योंकि हमने यहाँ पे दो चीज़ कर लिया ना, दो चीज़ कर लिया ना, ये भी कर लिया ना, ये सिक्स आ गया, तो अभी हमें क्या करना है, सिक्स को डिवाइड करना है, रिपीट हो गया ना ये आपस में क्या हो गया, रिपीट हो गया, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, ये तो रिपीट हो गया, उसी तरह से सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट क्या हो गया, आपस में रिपीट हो गया, इसका हमें क्या किया, टू से डिवाइड कर दिया। अच्छा अब आपको देखो मैं फॉर्मूला बता रहा, ध्यान सुनना, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में ध्यान सुनना, आप देखो लिख रहा हूँ, तीन ऑब्जेक्ट है, तीन में से हमें ग्रुप क्या करना है, एक है दो बनाना है, एक दो बनाना है, फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल थ्री फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या है, इससे आप डिवाइड कर लो, वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू, आप क्या करो इंडिविजुअल आप डिवाइड कर लो, थ्री फैक्टर टोटल जितने अरेंजमेंट करने अपॉन टोटल क्या करने, एक एंड दो, एक एंड दो है ना, एक और दो कितना आएगा, थ्री फैक्टोरियल कितना बनेगा, सिक्स, सिक्स अपॉन टू आ गया ना, थ्री कैंसर आया था ना, थ्री बाय था ना, एक दो तीन आ गया, रही बात इसकी है ना, इसका अभ्यास करना, इसको आप कैसे करोगे, टोटल टोटल कितना है, फोर फैक्टोरियल अपॉन अपॉन ध्यान सुनना, इंडिविजुअल कितने हैं, टू टू भैया लगा लो आप, टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई टू फैक्टोरियल है, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन कितने रिपीट हो रहे हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं, एक दो है ना, कितने रिपीट हो रहे हैं, एक दो, इसका मतलब टू फैक्टोरियल से अपन को डिवाइड करना है, ये जितने हमारे पास रिपीट हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है ना, तो कितना आ गया, फोर फैक्टोरियल मीन्स 24 अपॉन यहाँ पे आएगा फोर टू एट आ गया, सी आ गया, देखो हमारा सी आ है ना, तो ये आपने से किया ग्रुप फॉर्म में था। अच्छा अलग अलग बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, आप जो हम सिखा रहे हैं वही आप, ठीक है ना, जो हम सिखाए सिखा रहे हैं फिर से आप करो, क्योंकि जो सबसे आसान तरीका है वही बताया जा रहा है, तो सबसे आसान तरीका है उसी से बताया जाए, ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे। अब सोचो अगर आपके पास तीन ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने, दो दो तीन, इसमें मतलब तीन ऑब्जेक्ट को आपको फोर ग्रुप में डिवाइड करने हैं, एक में दो है, एक में दो है, एक में तीन है, एक में, तो क्या होगा आपका आंसर, ये सीख गया बस, ये अगर सीख गए तो बहुत बड़ा काम हो गया आपको, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कितना सारे लिखने हैं, टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल है ना, यहाँ पर कंजूसी मत करो, जितने सारे लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ध्यान सुनना, मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन ऐसा लिखो, एक सेम ग्रुप कितने बार रिपीट किया, सेम ग्रुप कितने बार रिपीट हो, दो बार, तो इसके लिए आ जाएगा हमारा क्योंकि टू टू का दो ग्रुप है इसका, अब आपको ये देखना है थ्री थ्री के कितने ग्रुप, कितने ग्रुप है, दो ग्रुप है, इसके लिए भी हमारे पास है ना, टोटल इट इंडिविजुअल मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है आपको, जो ग्रुप जो सेम ग्रुप हमारे कितने टाइम्स रिपीट होगा इसका फैक्टोरियल, आगे दिखाते हैं, मान लो 20 मान लो आपने ऐसे डिवाइड किया, फोर फोर आठ दस दो
बारह दो चौदह ऐसे आपने ग्रुप में से डिवाइड किया सपोज 20 को फोर चार चार दो 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 अभी क्या होगा आंसर तो बता दोगे फटाफट क्या बताओगे 20 फैक्टोरियल अपॉन इंडिविजुअल कितने इंडिविजुअल फोर फैक्टोरियल क्या वैसे लिख सकते हैं फोर फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बात तो बराबर है ना फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल 41 मत समझ लेना ठीक है अब किसी गधे को अगर नहीं पता है फैक्टोरियल का मतलब तो 41 ही समझ लेगा है कि नहीं साथ में बला बुला भी करेगा सर यहाँ पे डॉट लगा दिया आपने 41 में 41 नहीं है ये मल्टीप्लाई कर क्या हो गया यहाँ पे 222 का मतलब ये हो गया तुम्हारा टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर अब सेम ग्रुप कितने बार रिपीट हो गया फोर का ग्रुप कितने बार रिपीट फोर का ग्रुप कितने बार रिपीट होगा दो बार तो हमें क्या करना है यहाँ पे वन अपॉन क्या लिखना है यहाँ पे साथ में टू 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 कितने बार रिपीट हो रहा है तीन बार अब बोलोगे सर ये भी तो रिपीट हो रहा है लेकिन एक ही बार रिपीट कर रहा है आप मल्टीप्लाई पे वन भी लिखोगे तब भी तो मैटर नहीं कर रहा है ना तो ये हो गया हमारा ब्रेकिंग का फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप है ना सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ही सिखा रहा है आपको है ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सिखाया गया बराबर है ना जैसे मान लो आपके पास एक किसी को बर्थडे पार्टी में जाना है ना बराबर आपके पास चॉकलेट 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 समझ में चीज भरने एक पैकेट बताता हूँ पाँच छः तो भरोगे नहीं है कि नहीं बराबर तीस दस मान लो बजट कम हो गया पाँच अब इसको आपको क्या करना है ग्रुपिंग में करना है ग्रुपिंग में ठीक है तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने आपके पास 45 तो आपको क्या करने हैं पैकेटिंग करना है ना पैकेटिंग करने ग्रुप बनाना है अगर समझ आया ना तो आपके पास गिफ्ट आइटम को पैक करने के लिए कितने तीन है मतलब तो तीन डब्बे हैं तीन में भरने हैं तो कितना तरीका होगा बस वो ग्रुप बनाने का वो पैकेज बनाने का कितने पैकेट कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेज बन सकते हैं ना बराबर ना मतलब सारे के सारे डिफरेंट कपड़े सारे के सारे डिफरेंट कपड़े जैसा यहाँ पर लिख लेना जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे क्या डिफरेंट है ये लिख लेना ये लिख लेना ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट तो कितने तरीके हो सकते हैं तो क्या करोगे 45 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल 45 बाय 10 फैक्टोरियल कोई रिपीटेशन नहीं इसलिए कुछ नहीं आगे का कुछ नहीं है ना कोई रिपीटेशन नहीं इसका आगे का कुछ नहीं चलो यहाँ तक आप लिख लो तो अब करते हैं अब कुछ प्रॉब्लम ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा हो जाए ना
find the number of waves in which six choice can be distributed. Equally, among and the तीन लड़कियां लड़कियां नहीं बच्ची है से सिक्स टॉयज आपको क्या करने हैं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इक्वली में इक्वली पार्ट में तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब आप ग्रुप बना लो है ना आप ग्रुप बना लो मतलब पैकेज बना लो है ना ये टॉय है तो फिर क्या होगा सर बता दो ये है तो इसका मतलब दो दो तो उस पैकेट बनाने का नंबर ऑफ क्या होगा मतलब नंबर ऑफ ग्रुप बनाने क्या होगा क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टेन ग्रुप कितने तीन ये तो हो गए फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ये क्या हो गया हमारा जो नीचे आपने लिखा ये भैया हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ग्रुप की फॉर्मेशन ध्यान रखना तो अभी तो आपने क्या किया पैकेट बनाया है पैकेट समझ रहे हो ना मान लो चॉइस के पैकेट बनाया एक पैकेट ये बना दो किलो ने एक पैकेट ये बनाया एक पैकेट सारे पैकेट क्या डिफरेंट है सपोज ये पैकेट आपके बन गए तो पैकेट नंबर वन पैकेट नंबर टू पैकेट नंबर हमें भी मतलब नहीं पता है क्या पैकेट में बस ये पता है कि ना हाँ इसमें भी दो होंगी एक दो इसमें आती होंगी समंदर होगा मैं और क्या होगा कार है ना अब इन पैकेट को आपको क्या करना है उन तीनों को देने हैं किसको कमला को विमला को सिटी इनको डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली है ना इक्वली करना है डिस्ट्रीब्यूट तो एक पैकेट है ना एक पैकेट की बारी है किसको आप दे सकते हो कमला बिमला किसको मन करे जो पसंद आ जाए उसको दे दो तो उसके लिए नंबर में क्या हो गया आप तो ये पैकेट की कहानी सेकंड पैकेट आया अब भाई स्वीटी को तो मिल गया है बराबर ठीक है नहीं कंडीशन लगा दिया गया ऐसा नहीं तो सब कुछ हाँ सब कुछ स्वीटी को दे दो स्वीटी नहीं बचा के रखो अब तुमने बिमला को दे दिया या फिर कमला पसंद है कितने मिल जाएंगे तीन दो तरीके एक जो बच गया कमला मतलब इसी के लिए यहाँ पर क्या करें थ्री फैक्टर में है इसे आप क्या लिखेंगे अच्छा होगा इसे हम क्या लिखेंगे थ्री फैक्टर तो क्या होगा यहाँ पे क्लियर है पहले हमने क्या किया फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप किया पैकेज बना लिए है ना उसके बाद हमने तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होगा थ्री फैक्टोरियल सिंपल है नहीं थ्री फैक्टोरियल होगा हमारा नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूट पैकेज चलिए आगे बढ़ते हैं ये बता रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 200 पीपल
Thank you.
Thank you.
Thank you.
अच्छा अभी जा रहा होगा, जा रही है। तो क्या हो गया यहाँ पे, सिक्स का फॉर्मेशन किया हमने, दो 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 है ना, दो प्लेयर का। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ना, कि टीम बन सकते हैं। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब आपने ग्रुप किया यहाँ पे दो दो का किया, तो आपको ये पता चलेगा कितने बन सकते हैं ना, कितने फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप हो सकता है, कितने फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बन सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप बोल लो या फिर टीम बोल लो। टीम यहाँ से बन सकते हैं वो हमने चेक किया। बाकी लोग भाग गया, दो घंटा भी नहीं, 2000 है ना। अब सोचो इतने टीम बनेंगे, है ना, इतने टीम बने, लेकिन इतने टीम तो बन गया। और जब गेम की बारी आई, गेम खिलाने की, हमें क्या निकालना है, कितने गेम पॉसिबल हो सकते हैं, जब गेम खेलने की बारी आई, तो फिर कितने टीम रहेंगे, तीन टीम ही बनेंगे ना, तो इनमें से कितने टीम बनेंगे, ये तो टोटल इतने पॉसिबल हो सकते हैं ना, इतने तरीके से इतना ग्रुप हो सकता है। लेकिन जब तुम्हारे पास आएगा तो क्या आएगा, एक तो एबी का सपोज हो गया, एक जोड़ा इसका बन गया, एक बन गया तुम्हारा सी का, और एक बन गया तुम्हारा सी एफ का, बराबर। इतने पॉसिबल हो सकते हैं जब टीम की बारी है, टोटल टीम यहाँ से बन गया, इतना बनना है। जब खेलने के लिए आएगा तो क्या होगा, यहाँ से तीन ही आएंगे। अब क्या करवाना है आपको, गेम करवाना है। गेम के लिए कहती है आपको दो टीम की जरूरत पड़ेगी, है ना, जब आपको गेम करवाना पड़ेगा गेम, तो हमें कितने टीम की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए दो टीम की जरूरत पड़ेगी ना, एक का ले लिया, एक का ले लिया, तो मल्टीप्लाइड का यहाँ पे हम लिखे 3C2, सिलेक्शन ऑफ टू टीम फ्रॉम थ्री टीम, ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई, हम लिखने वाले हैं 1। क्यों, 1 का मतलब यहाँ पे होगा 1 गेम पर टू टीम, इम्पोर्टेंट है, नहीं आ रहा तो 1 का मतलब क्या है ना, तो बाद में आपको समझ आएगा। और कितने लिखा, ये दो टीम जब आपस में भिड़ेंगे, मतलब जब खेलेंगे, तो कितने टीम हो सकते, कितने गेम हो सकते हैं उनके बीच, ए बी होगा ना, मान लो ए बी ने सी के साथ खेला, या फिर सी ने ए बी के साथ खेला, बात तो बराबर है, इसका यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई का, दो टीम से एक ही गेम पॉसिबल है, बाकी है फैसला, बाकी है
एंसर फाइंड आउट करना। लिख लो यार। काम करो दो प्रॉब्लम हो समझ गया दो प्रॉब्लम हो गया आप इनर्जी यार अच्छी थी इन फ्रंट आगे कैंप की तरफ सीन है and the at back पीछे की तरफ back पीछे की तरफ तीन find the number of ways ऑफ डिफरेंट है मतलब सारे के सारे क्या डिफरेंट है ऑफ डिफरेंट एवरी वन
इन फ्रंट, ऐसा बैठना चाहिए। डायरेक्टली बिहाइंड, जैसे मान लो सॉल्यूशन मुझे ला रहा है, समझ लो टी वन सबसे छोटा हिस्सा है, हाइट में टी वन टी टू टी थ्री, फिर यहाँ पे सपोज ट्वेंटी फोर, और यहाँ पे फाइव हो गया, और यहाँ हिप है इसका कान, अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर टी वन बैठ गए हम तो पीछे हमारा कोई बैठा, सपोज हमने टी फाइव को बैठा, ये पसंद हो सकता है, ऐसा हो सकता है टी फोर टी फाइव बैठ गया, एक एक आपको एंगल बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है टी टू और आपका ऐसा नहीं कि ना टी वन टी टू टी थ्री सामने बैठ गया, एक तो ना एक अरेंजमेंट ऐसा हुआ टी टू सामने बैठ गया टी थ्री पीछे बैठ गया, ये पॉसिबल होगा। तो इस तरह बहुत सारे होंगे, तो ऐसे कितने सारे तरीके पॉसिबल है, ऐसे कितने तरीके पॉसिबल है वो आपको निकालना है। सेकंड सेकंड बता रहा अ रैट हैज फाइव डिफरेंट पेयर ऑफ शूज, नेक्स्ट क्लास में ऐसा बताना आप लोग पेयर ऑफ शूज, फाइन द नंबर ऑफ वेज in which four shoes can be chosen from so that there is no complete pair. कितने तरीके हैं आपको जूते सिलेक्ट करने के, चार, ताकि वो कंप्लीट पेयर नहीं बन जाए। पेयर समझ रहे हो, जैसे मान लो आपके पास एल वन आर वन है ना, उसी तरह से एल टू आर टू है, इसी तरह से कहाँ तक है एल फाइव आर फाइव, मान लो आपने ऐसा सिलेक्शन किया एल वन एल टू आर वन आर फाइव, आर वन नहीं करोगे, आर वन अगर आप कर लोगे ना तो ये क्या होगा कम्प्लीट है, तो वो नहीं करना है आपको, आप नहीं कर लो या कम्प्लीट आप ऐसा कर लो एल वन एल टू एल थ्री कभी कम्प्लीट पेयर नहीं करेगा। तो ऐसे कितने तरीके, कितने सारे तरीके हैं ताकि ये पेयर ना बने, ये नो कम्प्लीट पेयर, कम्प्लीट पेयर नहीं बने, ठीक है। फिर ये दो प्रॉब्लम आप ट्राई करो, काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करो आप, बात फिर आगे का डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, ये खत्म होने के बाद अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है, अभी लेक्चर भी एंड करते हैं ना, लेक्चर भी हम लोग एंड करते हैं।